Good morning all of you. In today's lecture, we will discuss about the head-off method when the electrodes are attackable. In the last lecture, we have discussed Hitoff method when the electrodes are non-attackable. Actually, what is the significance of the heat-off method? We have already tell you that okay, we are discussing about the determination of the transport number. For the determination of the transport number, there are different methods. Out of these different method, one is important method is the hitorf method. So in today's lecture, we will discuss about the hitorf method if the electrodes are attackable. Attackable electrodes के बारे में तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि आपके दो type की electrodes होती हैं। एक आपकी non-attackable और second one आपकी होती हैं। कौन सी होंगी होंगी बोलो दूसरी attackable. Now, what's the difference? हमने इनकी definition आपको बताई थी attackable electrodes वो जिसमें जो इलेक्ट्रोड की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी आप देखेंगे कि किस टाइप से वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और वो पॉजिटिव आयन देगी सो दैट इज द अटैकेबल इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोड बिल्कुल साइलेंट है उसके ऊपर तो रिएक्शन होगी देखो जो इलेक्ट्रोड है रिएक्शन तो उसी के ऊपर होनी है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड यह हमने ले ली इसके ऊपर रिएक्शन होगी क्योंकि इसकी जब हम असेंबलिंग करेंगे कंप्लीट ये आपका एनोडिक डिपार्टमेंट बन गया जैसे आपके सामने है तो इस सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए आपके दो टाइप के आयन हैं फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया देखो एजी पॉजिटिव और देखो सीएल नेगेटिव हमने ले लिया या एजी पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव हमने ले लिया मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने ये ले चुके हैं हम इसके अंदर अभी ये कंप्लीट असेंबलिंग नहीं है हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो ये ये आयंस आयंस इन दोनों में से क्योंकि पॉजिटिव एंड है तो इधर कौन जाएगा देखो नेगेटिव नेगेटिव जाएंगे आयन यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे अगर ये लॉस ना करे आपकी ये जो इलेक्ट्रोड है ये हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड ले ले फॉर एग्जाम्पल ये हम ले ले यहां पे सिल्वर इलेक्ट्रोड अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ई e नोट की वैल्यू है वो देखी जाएगी नोट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर तो मीन्स जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है तो वो क्या करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा है बट इट मीन्स कि उसकी लॉस करने की पावर कम है तो इट मीन्स हम क्या देखेंगे जिसकी ई e नोट की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है वही लॉस करेगा वही क्या करेगा लॉस तो हमने यहाँ पे क्या देखनी है हमें देखनी है ई e नोट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू तो ये पाया गया जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसकी ई e नोट की वैल्यू तो लेस है एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्चुअल डाटा और एनओ की जो ई e नोट की वैल्यू है वो मोर है मैं फिर बता दू नोट e क्या है जो आपकी एक्टिविटी सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है ये ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन होती हैं, के रिडक्शन पोटेंशियल को ही आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है तो मीन्स ई नोट की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी ज्यादा है बताए एन थ्री नेगेटिव एन की किसकी कम है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सिल्वर की आपकी कम है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता तो वो क्या करना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की पावर सिल्वर इलेक्ट्रोड की ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है ना ये यहाँ पे क्या करेगी देखो इस इस्टेप से इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन मीन्स ए जी पॉजिटिव एंड बनेंगे आपके और जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे देखो इस टेप से वो इस वायर के थ्रू देखो इस इस्टेप से क्या करेंगे बोलो ऐसे मूव करने स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द अदर डिपार्टमेंट ये तो एनोडिक डिपार्टमेंट है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया तो ये हमने आपको बताया कि अटेकेबल इलेक्ट्रोड कैसी होती है अगर ये रिएक्शन चले तो अगर अदरवाइज अगर ये रिएक्शन ना चलती जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था अगर हम यहाँ पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले लेते मान लीजिए मैं पीटी लिख पे देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती तो क्या होता प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो ज्यादा होती है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है देखो ज्यादा होती है और ये जो एनओ थ्री नेगेटिव आयन ही मान लीजिए हमने ले रखे हैं तो वो कम, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कभी कुछ बच्चे इस चीज में भी पजल हो जाते हैं सर पहले तो आपने ई नोट के नीचे मोर लिखा था थ्री में क्यों क्योंकि पहले कंपैरिजन कर रहे थे हम किसके साथ सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ तो कंपैरिजन किया तो वो बात लिख दी अब प्लेटिनम के साथ कंपैरिजन किया तो क्या मिला हमें कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ई नोट की वैल्यू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की ज्यादा है गेन करने की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिन अब प्लेटिनम के कंपेरिजन में e वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू एनओ थ्री नेगेटिव एन की कम है तो means करने की पावर ज्यादा है तो मीन एनओ थ्री नेगेटिव एन माइग्रेट हो जाएंगे यहाँ पे मीनस आपका जो प्लेटिनम है यहाँ पे जो सिल्वर का देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाया था अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे की जो प्लेटिनम है ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे लॉस करे और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऐसे नो प्लेटिनम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो फिर क्या होगा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेकिन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर तो रिएक्शन हो रही है ना कई बार बच्चे इसी चीज को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया इस चीज के ऊपर मीन्स प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन चलेगी एनओ थ्री नेगेटिव आयन माइग्रेट होंगे एनओ थ्री नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन प्लेटिनम का तो कुछ नहीं हुआ ना मीन्स द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ऑन दैट इलेक्ट्रोड बट प्लेटिनम का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ इसीलिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे कहेंगे बोलो क्या कि इट इज नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड के बारे में कंप्लीट जितने भी डिफरेंट

और इलेक्ट्रॉन की देखो इस स्टेप से मूवमेंट हो जाएगी जैसे मैंने बताया तो आज का जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो बोलो कौन सा होगा दैट इज द इलेक्ट्रोड और रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि ई e नोट की वैल्यू सिल्वर इलेक्ट्रोड की बोलो क्या है लेस है और आपके एनओ थ्री नेगेटिव आयन की बोलो क्या है मोर है बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वो सिल्वर इलेक्ट्रोड की ज्यादा है और एनओ थ्री नेगेटिव आयन की कम है में सिल्वर इलेक्ट्रोड की में की नेगेटिव के में इलेक्ट्रॉन लॉस करने पावर ज्यादा है इसलिए सिल्वर इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देंगे सो दैट इज द रीजन के ये हमारी अटैकेबल इलेक्ट्रोड है अब हम असेंबली को कंप्लीट करते हैं तो ये हुआ हमारा एनोडिक डिपार्टमेंट और सेकेंड हम लेंगे देखो कैथोडिक डिपार्टमेंट ये और बीच में इन दोनों को कनेक्ट करेंगे कि U-शेप ट्यूब से ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट बता दिया था अब सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए देखो ये हम बैटरी लगाएंगे बीच में मिली एमीटर लिया जिससे हमें पता चलेगा कि करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं उसके बाद ये हमने कोलोमीटर लेना है जिससे हम ये देखेंगे कि टोटल मास कितना डिपॉजिट हो गया है जब रिएक्शन किसके ऊपर चले आपके कैथोडिक डिपार्टमेंट में भी चले एनोडिक डिपार्टमेंट में दोनों के दोनों डिपार्टमेंट में चले तो इस टाइप से ये दो आपके डिपार्टमेंट हो गए देखो फिर से ओवरऑल हम बता देते हैं ये जो मैंने लिखा था देखो एक बार इसको मैं इरेज कर दूं ये बातें ही यूज करेंगे यही आयन भी हमें यूज करने हैं जो मैंने आपको बता दिए देखो मैंने इरेज कर दिया आपको क्लियर दिख रहा है वन इज द द एनोडिक डिपार्टमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड अदर वन इज द कैथोडिक डिपार्टमेंट ऑन द राइट हैंड साइड इन दोनों के जो सोल्यूशन है ये आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हमने ले ली है ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है बीच में और जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी सोल्यूशन वही है जो आपके एनोडिक और कैथोडिक डिपार्टमेंट के अंदर सेम सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री डिपार्टमेंट एनोडिक कैथोडिक एंड द सेंट्रल यू शेप टाइप द कोलोमीटर ताकि आपके एनोडिक और कैथोडिक डिपार्टमेंट के अंदर टोटल डिस्चार्जिंग कितनी हुई कितना मास डिपोजिट हुआ उसका पता चल पाए क्योंकि हमने सीरीज में ही कनेक्ट कर दिया है वोल्टा और द कोलोमीटर को That इज द कंप्लीट असेंबली इसके बाद हम क्या करते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेथड हिट ऑफ मेथड ही है वो एक अलग बात के आज जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो कैसी ले लेंगे वो आपकी अटैकेबल इलेक्ट्रोड हो जाएंगे अदरवाइज इसकी जो सेंस है मेथड की वो वही रहेगी इसकी एप्लीकेबिलिटी वही रहेगी कि दिस मेथड इज यूज टू एक्सप्लेन द माइग्रेशन ऑफ दी एंड टूअर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड इट स्टेट्स दैट बोलो इसने क्या स्टेट किया था पीछे भी हमने यही चीज बताई थी कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द लॉस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो हमारे पास दो डिपार्टमेंट है हर एक के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ हम पे हमने लिया एजी पॉजिटिव एन ओ थ्री नेगेटिव सेंट्रल जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव आए आपका जो कैथोडिक डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एजी पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव आए तो जो मान लीजिए अब क्या होगा एनोडिक जो डिपार्टमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसके पॉजिटिव देखो ये एंड हो गया तभी तो आप इसको बोलो क्या कहते हैं दैट इज द एनोड ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही आप लेंगे ये बेसिक कन्वेंशन है ऐसे ही जो सेकंड एंड है अदर जो एंड है बोलो ये आपका नेगेटिव एंड है यहाँ पे देखो तो ये नेगेटिव एंड ये आपका कैथोड हो गया इधर ये हमेशा राइट हैंड साइड के अंदर ही लिया जाता है मीन्स नेगेटिव एंड की तरफ पॉजिटिव आयन माइग्रेट करेंगे मीन्स ये जो एजी पॉजिटिव ये एनोडिक डिपार्टमेंट से चलेंगे सेंट्रल डिपार्टमेंट से होते हुए और एजी पॉजिटिव आयन बोलो कहाँ पे मूव करके पहुंच जाएंगे वो पहुंच जाएंगे देखो इस स्टेप से चलते चलते देखो यहाँ पे जाके और ये ए जी पॉजिटिव है तो बोलो हुआ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है तभी तो मीन्स बाहर जो हमने बैटरी ले रखी थी बोलो एक और ले रखी है हमने यहाँ पे दैट इज द बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी मीन्स नो बैटरी नो इलेक्ट्रोलाइसिस नो डिस्चार्जिंग ऑफ द आयन ऑन एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड हम सिर्फ अभी एडजम्पन कर रहे हैं मान लीजिए कैटाइन आपका मूव करता तो क्या होता यही स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीनस देखो पहले आयन पेयर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था पहले एजी पॉजिटिव एनओ एक और लिख देता हूँ देखो मैं इसी डिपार्टमेंट में एजी पॉजिटिव और एनओ थ्री देखो नेगेटिव मैंने लिख दिया ना मीन्स दो आयन पेयर है देर आर टू आयन पेयर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस एजी एनओ थ्री वन आयन पेयर एजी एनओ थ्री अनदर आयन पेयर मीन्स मान लीजिए इसके अंदर टू आयन पेयर थे देखो आपके टू आयन पेयर ठीक हो गया अब क्या हुआ द लॉस इन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया कितने आयन पेयर बच गए देखो एजी पॉजिटिव आयन जब इसने देखो माइग्रेट किया दूसरी साइड में तो क्या हुआ अब आयन पेयर तो नहीं रहा ना अकेला एनो थ्री हो गया तो मीन्स एक ही आयन पेयर बचा मीन्स वन आयन पेयर आपका मूव कर गया तो बच गए बोलो कितने वन आयन पेयर बच गए आपके एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर ये लेफ्ट है यही बच गए आपके तो मीन्स लॉस हो गया ना वहां पे तो लॉस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अराउंड एनी इलेक्ट्रोड एनोडिक डिपार्टमेंट में जो एनोड है उसके चारों तरफ लॉस इन अमाउंट हुआ इलेक्ट्रोलाइट का आयन पेयर का अंदर कमी आ गए जो पहले दो थे अब वो आपके वन रह गए ऐसा क्यों इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग फ्रॉम इट वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां से आयन कौन चला गया उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कौन चला गया यहां से एजी पॉजिटिव आयन चला गया तो ये बड़ी बेसिक सी स्टेटमेंट थी आपकी हिटोर्थ मेथड की ये हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी इसका व्यू परस्पेक्टिव आपको बता दिया कि इन लाइनों की सेंस क्या है

लॉस इन अमाउंट का मतलब क्या है लॉस इन अमाउंट का मतलब डिक्रीज इन द नंबर ऑफ दी आयन पेयर अराउंड द इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोलाइट अराउंड द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रपोर्सल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग फ्रॉम इट फॉर एक्जाम्पल इस केस में हमने जूम किया कि ए जी पॉजिटिव सिमिलरली अगर एनओ थ्री नेगेटिव आयन मूव करते तो आप एनआईन के परस्पेक्टिव के बेसिस के ऊपर उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही आयन आपका आप मूव करें अब मूव तो दोनों ही आयन करेंगे क्योंकि एनोडिक कैथोडिक दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ही रिएक्शन होनी होती है एनोडिक डिपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी होती है कैथोडिक डिपार्टमेंट में रिडक्शन रिएक्शन होगी

तो क्या फर्क पड़ेगा कितना डिक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन के अंदर आयन पेर की संख्या के अंदर वो सारी चीजें आज आज हम आज के के लेक्चर अंदर अभी आपको समझाएंगे। देखो दोबारा से एक बेसिक पर्सपेक्टिव दे दे जो आपकी कॉपी में आप बनाते हैं ये तो हो गया रियल डायग्राम जो हमने बताया था आपके पास देखो इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी ये डिफरेंट देखो डिपार्टमेंट हो गए लेफ्ट साइड में आपके एनोडिक राइट में कैथोडिक बीच में सेंट्रल डिपार्टमेंट विद हेल्प ऑफ द इमेजिनरी लाइन वास्तविकता में सॉल्यूशन ये मिक्सअप होते नहीं जैसे हमने एक्चुअल प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं वो आपको ऊपर शो कर रखा था कैनोडिक डिपार्टमेंट भी देखो सेपरेट था वहां पे ये कैथोडिक डिपार्टमेंट भी देखो बिल्कुल सेपरेट है बीच में हमने सेंट्रल डिपार्टमेंट लिया तीनों के नीचे देखो टैप लगी हुई है तीनों के तीनों जो सॉल्यूशन है एनोडिक डिपार्टमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट उनकी कंसंट्रेशन को हम एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम किसी भी पल हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चल रही है बीच में किसी भी वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस को रोके और शुरू में कंसेंट्रेशन कितनी थी एनोडिक या कैथोडिक या सेंट्रल डिपार्टमेंट में ए, एक घंटे के बाद आप स्टॉप करें आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को और कंसेंट्रेशन को डिटरमाइन आप बड़े आराम से कर सकते हैं टैप में से सोल्यूशन निकालें जैसे लास्ट टाइम बताया था पाइट्रेशन करें विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर और आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कंसंट्रेशन जो आपका सॉल्यूशन कौन सा लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऊपर ब्यूरेट में जब आप प्रेट्रेशन करेंगे वो तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आप अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन अपने ब्यूरेट के अंदर लेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ आप प्राइट्रेशन करके और कंसंट्रेशन को डिटरमाइन आप कर सकते हैं इसके बाद देखो आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होती है ये आपकी कैसी लेंगे अटैकेबल इलेक्ट्रोड सिमिलरली कैथोडिक डिपार्टमेंट भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी सिल्वर इलेक्ट्रोड आज हम लेंगे उसके बाद बैटरी से देखो हम कनेक्शन कर देंगे थ्रू वायरिंग उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑक्सीडेशन ही होनी है एनोड कहते हैं आप उसे राइट right साइड में रिडक्शन ही होनी है आप उसे कैथोड कहेंगे फिर ये हमने देखो बीच में एक लाइन ड्रा कर दी ये मोल्टर इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया देखो ये आय शो किए कोई पॉजिटिव आय मान लीजिए फोर पॉजिटिव आय मान लीजिए एजी पॉजिटिव आयन है अदर वन कौन है बोलो आपके नेगेटिव है सिमिलरली दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी ये सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं मान लीजिए फोर एजी पॉजिटिव आयन है फोर एनओ थ्री नेगेटिव है ऐसे सेंट्रल डिपार्टमेंट में मान लीजिए हमने फाइव फाइव लिख दिए तो इन चीजों को आप ध्यान रखे कहीं पे मेरे से जैसे अब यहाँ पे मेरे पास थ्री प्लस थ्री देखो ये गलती से एक, एक, एक एक्स्ट्रा लग गया कुछ ऐसी हो जाए तो आप इनको इरेज कर देना क्योंकि हम इक्वल ही तो लेंगे देखो जितने पॉजिटिव आयन ले होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में हम शो करेंगे उतने ही नेगेटिव आयन को शो करना मेरे से गलती से कहीं पे जैसे एक्स्ट्रा लग गया हो तो आप ध्यान रखना एनोडिक कैथोडिक सेंट्रल डिपार्टमेंट जितने पॉजिटिव आयन शो करे उतने ही क्या शो नेगेटिव करेंगे क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एक एज्पशन और हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे की हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूनि यूनी वेलेंट हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट हम ले रहे हैं जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे बोलो कौन सा लेंगे सिल्वर नाइट्रेट ए जी एनोथ्री देखो जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे ए पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव ऐसे यहाँ पे जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे ए पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बोलो कौन है यहाँ पे NO3 नेगेटिव दोनों के ऊपर देखो ए के ऊपर प्लस वन चार्ज है NO3 के ऊपर माइनस वन चार्ज हमने ऐसा नहीं लिया फॉर एग्जाम्पल हम सी लेते तो क्या होता अगर हम ये लेते तो आपके पास देखो ऐसा होता कि सी पॉजिटिव देखो एक बनता तो नेगेटिव बोलो कितने जनरेट होते हैं? देखो उस पे दो हम शो करते हैं। देखो इस से वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं हम कौन सा ले रहे हैं यूनि यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे हम हर पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ पाए अदरवाइज आप ये भी लेके आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो फिलहाल हम लेंगे सिर्फ यूनि यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया बेटा सभी को चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ये हमने शो किया उसके बाद देखो आपके देखो आइन की देखो ग्रीन लाइन से शो किया आयन की मूवमेंट बोलो कौन से आयन की देखो, ये मूवमेंट हमने कौन सा आयन है पॉजिटिव है लेके कैथोडिक डिपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा आपका कौन मूव करेगा आपके एजी पॉजिटिव है लेकिन इससे होगा क्या यही सारे पर्सपेक्टिव अभी हम आपको सारे समझाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड अब की बार अटैकेबल इलेक्ट्रोड है तो बड़े ध्यान से देखेंगे अपनी नजर पूरी इधर रखेंगे उसके बाद देखो अब होगा क्या ये सारे पर्सपेक्टिव अभी हम शो कर रहे हैं देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको फिर बता दूं हमारा क्या है इलेक्ट्रोड बोलो कैसे हैं आपके अटैकेबल हैं ये चीज भूलना मत आप बिल्कुल भी आज के लेक्चर में अटैकेबल इलेक्ट्रोड ही रहेंगे हमारे सेकंड अब हम डिफरेंट पॉइंट लेंगे पहली एजम्पन इफ ओनली कैटैन मूव सिर्फ कैटाइन मूव करे तो क्या होगा जैसे मैंने शो ही कर दिया यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन है इजी पॉजिटिव आयन है दैट विल मूव फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट टू द कैथोडिक डिपार्टमेंट लेकिन ऐसा होता नहीं कि सिर्फ यही मूव करे लेकिन मैथमेटिकली तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो कैसे भी पूछा जा सकता है तो आपको अकॉर्डिंगली उसका जवाब देना है तो फिर होगा क्या देखो पहले ही बताया था ये बेसिक डेफिनेशन ऊपर हमने लिख भी रखी है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द द लॉस इन अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अराउंड एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट मींस द माइग्रेशन ऑफ द दी आयेंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द आयंस वेलोसिटी ऑफ द आयंस वैसे फिजिक्स के अनुसार स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस होता है तो नेक्स्ट आप मूवमेंट हो गई यहां पे जो आपका एक पॉजिटिव आयन था देखो वो मूव करके बोलो पे पे चला गया गया देखो देखो के अंदर वहां पे एक extra हो गया है पॉजिटिव आयन की देखो कमी हो गई positive की देखो हो ना यहाँ पे एक एजी पॉजिटिव आयन है ही नहीं लेकिन अब क्या होगा बिकॉज इलेक्ट्रोड आर अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलो कैसे है अटैकेबल है इलेक्ट्रोड है जो आपकी इलेक्ट्रोड है बोलो कौन सी है सिल्वर आपको बताया था ना इसकी ई e नोट की वैल्यू कम है क्योंकि आपके देखो आयंस दो टाइप के हैं ध्यान दें यहाँ पे पहले बोलो कौन था यहाँ पे पहले था एजी पॉजिटिव आयन और जो ये नेगेटिव आयन मैंने शो कर रखा है ये कौन है एनओ थ्री नेगेटिव आय वैसे तो एनओ थ्री नेगेटिव आयन को यहाँ पे जाके देखो इस एंड के ऊपर जाके और क्या करना चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए लेकिन ई e नोट की वैल्यू जो ये ए जी है यहाँ पे सिल्वर जो है इसकी ई e नोट की वैल्यू मैंने पहले ही बताया कम है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है और जबकि एनओ थ्री नेगेटिव की जो e नोट की वैल्यू है वो वो क्या है वो है ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है एनओ थ्री की ज्यादा है ई e नोट की कम है तो ई e नोट की गेन करने की पावर क्योंकि कम है तो लॉस पक करने की ज्यादा इसलिए लॉस कर देगा तो अब ये लॉस करेगा तो देखो होगा क्या तो मीन्स ये नहीं हो पाया ना इसने तो लॉस नहीं किया तो अब जिसकी वजह से अब हुआ क्या देखो ये देखो मैंने क्लियर कर दिया इतना हो चुका था कि मैं फिर से बता दूं जो एजी पॉजिटिव एन यहाँ पे था उसका हमने एजम्शन ली है वेन ओनली के टेन मूव के ये मूव करके यहाँ पे पहुंच गया पहुंच गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई देखो यहाँ पे ए जी पॉजिटिव नहीं अब होगा क्या अटैकेबल इलेक्ट्रोड है इसने देखो ये एजी पॉजिटिव एन देखो इसने लॉस किया साइमल्टेनियसली क्योंकि और ये यहाँ पे देखो पहुंच गया आके ये एजी पॉजिटिव एन देखो यहाँ पे आके देखो बैठ गया मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव एन आ गया देखो पॉजिटिव आइन दोबारा से यहाँ पे आपका जनरेट हो गया है क्योंकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड है देखो ये मैंने दोबारा से एक पॉजिटिव साइन जनरेट कर दिया क्योंकि देखो ये रिएक्शन चली एजी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ये जो एजी पॉजिटिव है यही तो यहाँ पे माइग्रेट हुआ है देखो यहाँ पे

क्लियर हो गया था ना ऐसा लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रोड आपकी अटैकेबल है एजी पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ सिल्वर इलेक्ट्रोड की खुद इन्वॉल्वमेंट हुई ऑक्सीडेशन में एजी पॉजिटिव आयन जनरेट होकर वहां पे जो ये रिमेनिंग देखो जो नेगेटिव आयन था उसके पास कौन पहुंच गया एजी पॉजिटिव आयन मीन्स आपका दोबारा से एक आयन पेयर बन गया मीन्स इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन हो गई मीन्स आपकी ओवरऑल आपकी क्या हुआ डिक्रीज नहीं हो पाई फोर आयन पेयर पहले थे फोर आयन पेयर अब है मीन्स ऐसा लगता है कि घट जानी चाहिए कंसेंट्रेशन आयन पेयर घट जाने चाहिए आयन पेयर डिक्रीज हो जाने चाहिए क्योंकि ए जी पॉजिटिव आयन मूव कर चुका था एनोडिक से कैथोडिक डिपार्टमेंट की तरफ देखो जो एजी पॉजिटिव जो मूव किया था को ये रहा देखो ग्रीन कलर से मैंने ये वहां पे पहुंच भी चुका है ये पहुंच गया वहां पे लेकिन पीछे दोबारा जनरेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोड आपकी अटैकेबल है क्लियर हो गया ना यहाँ तक अब होगा क्या देखो अब क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने आए मींस फॉल इन द कंसेंट्रेशन अराउंड द एनोड बोलो वो तो बेसिक चीज है किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ दिकेटाइन के ऊपर ही डिपेंड करती है लेकिन हुआ क्या वास्तविकता में हुआ ये कि द कंसेंट्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ द आयन पेयर इन द कैथोडिक डिपार्टमेंट इन द बोलो कौन से डिपार्टमेंट इन द कैथोडिक कैथोडिक डिपार्टमेंट बोलो क्या रहे सेम देखो इसमें भी पहले फोर आयन पेयर थे और अब भी बोलो आएन पेयर बोलो कितने देखो फोर है ध्यान पे पहले थे अभी है बट द देशन इन एनोडिक डिपार्टमेंट शुड डिक्रीज वो डिक्रीज हो जानी चाहिए बट रिमेन सेम लेकिन वो सेम रही बिकॉज द इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों तो आंसर आप लिखेंगे बिकॉज द सिल्वर इलेक्ट्रोड इज टेकन हेयर एंड दैट इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल इट प्रोड्यूसेज द पॉजिटिव आयन

Will be discharged at the cathode. Cathode के जो दो तरह के आयन थे इलेक्ट्रॉन दे गेंद इलेक्ट्रॉन देखो ये the यहाँ पे इसका डिस्चार्जिंग हुआ देखो इस आयन का यहाँ पे क्या होगा डिस्चार्जिंग वहां पे खुद इलेक्ट्रॉड ने ही अपनी इन्वॉल्वमेंट करवा ली तो ये जो आपके दूसरे जो आयन है

अब हम अगला पर लेते हैं कि एन आय मूव कर डिपार्टमेंट आपका पहुंच गया तो कोई इसके मूव करते ही देखो हुआ क्या पूरा ध्यान देना देखो ये आपके यहाँ पे देखो एनआईन था देखो ये वैकेंसी जनरेट हो गई यहाँ पे ये वैकेंसी मीन्स पहले आयन पेयर थे कैथोडिक डिपार्टमेंट में अब आयन पेयर देखो सिर्फ थ्री रह गए

जो ए जी बने ये ये यहाँ पे देखो पहुंच जाएंगे इस स्टेप से हमने एक प्लस साइन और लगा दिया मिस नंबर ऑफ आइन पेयर पहले कितने थे फोर और अब कितने हो गए नाउ बिकम सिक्स सॉरी पहले थे फोर अब कितने हो गए फाइव आइन पेयर क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो आपका अटैकेबल है पॉजिटिव आयन उसने दिए पॉजिटिव आयन आयन नेगेटिव के पास पहुंच गया जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आया था बन गया प्लस में वन टोटल आयन पेयर नाउ बिकम दर अक्कर इंक्रीज इन देशन इन द बोलो कौन सा डिपार्टमेंट एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ आयन पेयर इंक्रीज हुए किस वजह से हुए बिकॉज द इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल क्लियर हो गया अब हम देखो मैथमेटिकल इनउंडेशन हो गई ना कैथोड में बोलो तो कैसे हुई देखो यहाँ पे क्या हुआ था पहले कितने, थे? अब देखो, pair, देखो, कितने बच गए नाउ बिकम्स थ्री यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई क्योंकि यहाँ पर का तो ही एक एनोथिक नेगेटिव एन कैथोडिक से एनोडिक डिपार्टमेंट में देखो माइग्रेट हुआ था उसकी मूवमेंट हुई थी तो द कंसल्टेशन बिकम डिक्रीजेस

आपकी मर्जी आप कितने भी मान लें हमने सिर्फ एक ही मूव किया था यहाँ पे वन मान लीजिए कि एक एन थ्री नेगेटिव एन मूव कर गया एक एनआईएन मूव कर गया टू एनोडिक डिपार्टमेंट तो एक एनआईएन वहां पे पहुंचा एक एक्स्ट्रा एनआईएन इलेक्ट्रोड आपके अटैकेबल थे एक एन वहां पे आ गया नंबर ऑफ एन पेयर फोर से प्लस वन फाइव हो गए तो इसलिए हमने लिखा

डिपार्टमेंट में, में वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन तो मीन दिन देशन बिफोर इलेक्ट्रोलिस जैसे हमने पहले भी एज्यूम किया था बोलो उसको हम वाइसे जैसे हमने रिप्रेजेंट किया वाइग्रामिकल The concentration after electrolysis, the X gram equivalent X is greater than Y.

एनोडिक से कैथोडिक डिपार्टमेंट में और एक एनाइन मूव कर गया कैथोडिक से एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर वन वन मान के चले गए हम फिर उससे देखो होगा क्या तो कोई बेसिक बातें हैं जो हम पहले आपको तो बता चुके हैं कि फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड और कैथोड किस पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस मींस फॉल इन कंसेंट्रेशन अराउंड एनोड तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी दैट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द द कैटायन एंड फॉल इन दिन अराउंड कैथोड किस पे डिपेंड करेगी ऑन द स्पीड ऑफ द एनायन और अगर आप इनको डिवाइड कर देते हैं फॉलिंग एनोड बाय कैथोड तो प्रपोशलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू स्पीड ऑफ बाय स्पीड ऑफ एनायन हो जाएगा तो मीन्स जब सेम नंबर ऑफ कैटाइन और एनायन मूव करते हैं मूव करते हैं तो देखो उससे होगा क्या देखो जो मैं बता रहा हूं ध्यान दें नंबर ऑफ आइन पेयर कहां पे इंक्रीज कहां पे डिक्रीज देखो हम आपसे पूछ के लिखेंगे यहां पे जल्दी बताएं देखो हुआ क्या ध्यान से देखना यहाँ पे पहले एक पॉजिटिव आयन था देखो मैं दोबारा लगा रहा हूं यहां पे एक था। वो, देखो मूव कर गया एनोडिक से डिपार्टमेंट के अंदर देखो पीछे ये वैकेंसी आपकी बन जानी चाहिए और ये क्योंकि यहाँ पे कैटाइन आपका पहुंच गया एक साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो एक नेगेटिव आयन था देखो मैंने लगा दिया ये मूव करके गया आपका एनो थ्री नेगेटिव आयन जिसको हमने ये यहां पे देखो पहुंच गया ये यहाँ पे पहुंच गया क्लियर हो गया उसके बाद आप देखें बड़े ध्यान से देखें फोर फोर, फोर, फोर आयन पेयर थे अब हुआ क्या देखो आयन पेयर अगर आप एनोडिक डिपार्टमेंट में देखें देखो थ्री आयन पेयर रह जाने चाहिए देखो अगर इलेक्ट्रोड आपकी नॉन अटैकेबल होती तो नंबर ऑफ आयन पेयर थ्री रह जाते डिक्रीज़ सिमिलरली आप कैथोडिक डिपार्टमेंट में जाएंगे पे पेर, लेकिन आप क्या है? उसके बाद देखे क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो अटैकेबल है और देखो आयन जो डिस्चार्ज होने चाहिए वो भी कितने होने चाहिए देखो दो एक्स्ट्रा आपके कैटायन देखो ये रहे, आपके कैथोडिक डिपार्टमेंट में जो आयन पेयर की फॉर्म में नहीं है तो दो आयन पेयर आपके यहाँ पे देखो लिबरेट हो जाने चाहिए डिस्चार्ज होने हो जाने चाहिए कैथोड पे सिमिलरली आपके अगर नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होती दो ये एनआईन ये जाके यहाँ पे डिस्चार्ज होते ये डिस्चार्ज हो जाने चाहिए इक्वल नंबर ही डिस्चार्ज होते थे जब इलेक्ट्रोड आपकी कैसी होती थी नॉन अटैकेबल दो आपके आयन बोलो कहां पे जनरेट होते कैथोड के ऊपर दो कहां पे एनोड के ऊपर क्योंकि माइग्रेशन कितनी हुई है देखो एक कैटाइन की माइग्रेशन हुई जैसे जैसे पिछली बार हमने बताया था वन कैटाइन मूव कर गया बोलो कितने वन वन एनाइन मूव कर गया देखो ये वन वन एनाइन मूव कर गया वन तो वन प्लस वन कितना हो गया था टू तो जितने आयन मूव करें उन दोनों को जोड़ लेते हैं वन प्लस वन टू उतने ही लिबरेट होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया दो कैटाइन आपके लिबरेट हो जाएंगे देखो यहाँ पे दो कैटाइन और दो आपके एनायन अगर इलेक्ट्रोड आपकी बोलो कैसी होती नॉन अटैकेबल लेकिन अब इसमें फर्क क्या पड़ा ध्यान दे फर्क ये पड़ा कि जो इलेक्ट्रोड है देखो वो आपकी अटैकेबल है ध्यान देना बोलो कैसी है अटैकेबल है तो अटैकेबल होने से क्या हुआ कि देखो एजी पॉजिटिव आयन देखो यहां से बन गए देखो ये अटैकेबल है तो प्लस इलेक्ट्रॉन देखो ये लॉस हो गए तो एजी पॉजिटिव आयन जो बने ये यह यहाँ पे पहुंच गए देखो यहाँ पे एक एजी पॉजिटिव आयन देखो दो आपके डिस्चार्ज होने चाहिए ना दो एक्स्ट्रा ए, आपके एन है एनोडिक डिपार्टमेंट में तो दो एजी पॉजिटिव आय आ गए देखो एजी पॉजिटिव और प्लस में एजी पॉजिटिव दो पॉजिटिव हमने दिखा दिए मीन्स आयन पेयर पहले कितने थे बोलो यहाँ पे फोर फोर आयन पेयर थे आपके और उसके बाद रह कितने जाने चाहिए थे देखो ये सिर्फ थ्री रह जाने चाहिए थे क्लियर हो गया माइनस वन होना चाहिए था वैसे तो थ्री आयन पेयर बचने चाहिए थे लेकिन हुआ क्या रिवर्स काम हो गया फोर थे एक कैटाइन आया देखो एक आ गया तो मेंटेन हो गया फोर का फोर प्लस एक और आ गया मिन्स पेर बन गए यहां पे, पेर बोलो क्या बन गए five बन गए क्लियर हो गया ना यहाँ पे तो मीन्स ओवरऑल कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या हुई है इंक्रीज लेकिन साथ की साथ जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मान लो ऐसा होता कि अगर आपका एक भी कैटैन मूव नहीं करता तो ज्यादा अच्छा होता देखो क्यों क्योंकि आपके सिर्फ यहाँ पे ये पॉजिटिव है जो मैंने अभी अभी लिखा देखो यहाँ पे ये तो नॉर्मल वाला यहीं पे होता सिर्फ एक ही आता देखो यहाँ पे देखो ये वाला एक, एक एक्स्ट्रा आता मीन दैट इज द ओवरऑल इंक्रीज लेकिन हुआ क्या क्योंकि साइमल्टेनियसली एक जो कैटन था यहाँ वाला वो भी तो देखो मूव कर गया देखो ये यहाँ पे पहुंचा है तो में जो ओवरऑल ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए थी वो नहीं होगी उतनी इंक्रीज लेकिन मेंटेन जरूर हो गई यहां पे एक कैटन की कंसेंट्रेशन क्योंकि इलेक्ट्रोड आपका अटैकेबल है तो एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर तो आयन पेयर बनते रहेंगे बनते रहेंगे लगातार जितने एनआईन मूव करके इधर आएंगे उतने ही आयन पेयर और जनरेट हो जाएंगे क्योंकि उसमें कमी होगी नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोड आपका अटैकेबल है एजी पॉजिटिव आयन कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे आपके एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर क्लियर हो गया इतना तो अब इससे देखो ओवरऑल हमारे रिजल्ट क्या बने द द द आयन पेयर इन कैथोडिक डिपार्टमेंट तो देखो डिक्रीज हो गई क्योंकि वहां पे तो आयन पेयर देखो थ्री ही बचे क्योंकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड आपकी सिल्वर है उसका जो इंपैक्ट होगा वो कहां पे पड़ेगा क्योंकि वो तो एजी पॉजिटिव आयन ही दे रहा है वो कहां पे पड़ेगा आपके एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर ही उसका असर होगा

एनोर्डिक डिपार्टमेंट वहां परेशन बोलो क्या हो गई आपकी इनक्रीज इनता बोलो कौन सा डिपार्टमेंट आप यहाँ पे लिख देना डिपार्टमेंट यहाँ पेड़ दिया हमारे पास कितने कैटाइन हो गए जो लिबरेट होंगे देखो ध्यान से बताओ यहाँ पे मैंने करके भी बताया था आपको समझाया टू कैटाइन विल भी लिबरेटेड देखो ये कैटाइन आपके लिबरेट हो जाएंगे डिस्चार्ज हो जाएंगे

यहाँ पे देखो कैटाइन था ये वैकेंसी बन गई कैटाइन था ये मूव कर गया देखो इधर ये ग्रीन कलर से दिखाया आगे पहुंच प्लस एक एनआईन भी देखो यहां से मूव करके आया देखो ऐसे इस से हुआसिस मीन्स फोर आयन पेयर थे आपके पहले वाई ग्रामिकलेट मान लिया आफ्टर इलेक्ट्रोलिस एक्स ग्रामिकलेट क्योंकि जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई यहाँ पे देखो ये यह वैकेंसी यहाँ पे तो क्योंकि इलेक्ट्रोड आपका कैसा था अटैकेबल पॉजिटिव आयन देखो और इलेक्ट्रॉन जब इसने लॉस किए ए जी पॉजिटिव एन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये यह प्लस प्लस क्योंकि एक एनआईन भी मूव किया है वन एन ये पहुंचा तो इसकी वजह से भी देखो यहाँ पे एक आयन फिर और बन गया यहाँ पे मीन्स द कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई एक्स ग्राम इक्वलेंट हो गया तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन फिर इंक्रीज हुए पहले फोर थे

टन भी माइग्रेट कर गया देखो एक कैटैन ये क्या कर गया बोलो यहां से यहां पे एक माइग्रेट कर गया देखो ये तो एक माइग्रेट कर गया तो उससे क्या होगा इफ नो कैट मूव देन द अमाउंट इन द कोलोमीटर दैट इज द जेड ग्राम इक्लेट ऑफ द लेकिन क्योंकि फॉल इन कंसेंट्रेशन तो होगी ही क्योंकि कैटाइन मूव कर गया तो जो अब क्या करेंगे ओवरऑल जो अमाउंट वहां पे डिपॉजिट हुई क्योंकि वो टोटल ओवरऑल

हम क्या कर देते हैं बोलो कि इतना इंक्रीज हमारा हुआ था लेकिन क्योंकि कैटैन भी चला गया एक उसकी भी मूवमेंट हो गई तो डिक्रीज कितना जेड माइनस में क्या कर दो एक्स माइनस वाई तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं व्हेन मूव फास्टर देन एनएन इसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है हमारा पॉइंट नंबर थ्री ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी हम आपको करके दिखाएंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है मीन्स अब हमने क्या शो किया मीन्स कैटैन भी मूव करेंगे लेकिन दे मूव फास्टर देन दी एनएन मीनस हमने क्या शो किया कि आपके दो कैट मूव कर गए देखो यहाँ पे वन प्लस वन देखो फोर आयन पेयर थे ना पहले ये दो मूव कर गए यहाँ पे आगे देखो ये दो पहुंच गए देखो आगे एक एन आई एन एन आई एन एक ही मूव किया था देखो यहां से देखो ये ये एक, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पहुंच गया तो जब ये पहुंच गए तो पीछे देखो ये वैकेंसी बन गई देखो देखो ये मूवमेंट के बाद देखो हमने दिखा दिया कि देखो एनोडिक डिपार्टमेंट में वैकेंसी बननी चाहिए और यहाँ पे भी देखो वैकेंसी बन गई मीन्स नंबर ऑफ फाइन पेयर पहले फोर फोर थे दोनों डिपार्टमेंट में अब क्या हुआ बोलो आपके जो एनोडिक डिपार्टमेंट है उसमें तो दो ही आयन पेयर बचने चाहिए अगर नॉन अटैकेबल होता तो और आपके कैथोडिक डिपार्टमेंट में थ्री आयन पेयर देखो बचने चाहिए कैथोडिक में फिर भी थ्री ही बचेंगे लेकिन एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोड okay, आपकी कैसी है आपकी

और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता वो यही तो डिफरेंस रहता है कि अगर हमारे ये कैटन मूव ना करते देखो मैं फिर से बता रहा हूं अगर कैटैन मूव ना करते तो देखो ये प्लस प्लस एन ये तो आपके फोर आर तो देखो मूव आपके एस रहते फोर आयन पेयर पहले थे बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस फोर आयन पेयर बाद में रहते अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है तो एक ही तो नया बनता देखो ये एक नया आयन पेयर देखो ये बनता तो दैट इज कॉल्ड एज द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ये दिखी बोलो कहां पे? कहां पे पे दिखती बोलो ये कोलोमीटर के अंदर देखो डिस्चार्ज जो होंगे आयन देखो ये तो ये हो गए देखो थ्री आपके डिस्चार्ज हो गए देखो यहाँ पे ये क्यों हुए ये थ्री वैसे तो आपके मूव मान लो ना करते मूव अगर ना करते ये तो देखो क्या होता इधर भी अगर ये कैटैन मूव ना करते तो ये दो ग्रीन वाले वहां पे नहीं होते एक ही कैटैन डिस्चार्ज होता देखो एक ही कैटन डिस्चार्ज होता लेकिन साथ ही साथ अब हुआ क्या कैटैन भी मूव कर गए तो कोई ये ग्रीन वाले भी पहुंच गए तो थ्री एक्स्ट्रा कैटाइन बच बन गए देखो यहाँ पे जो कि आयन पेयर की, की फॉर्म में दे गए डिस्चार्ज वो तो डिस्चार्ज होंगे ही कंसनट्रेशन डिक्रीज हो गई कैथोडिक डिपार्टमेंट में पहले फोर आयन पेयर थे अब थ्री रह गए तो कैथोडिक में तो आपने क्या देखा कि थ्री आयन पेयर रह गए फोर से थ्री कंसंट्रेशन डिक्रीजेस और थ्री कैटैन आपके जनरेट हो जाएंगे वो आयन पेयर की फॉर्म में नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्चार्जिंग नहीं होगी आयन की क्योंकि इलेक्ट्रोड खुद इन्वॉल्व कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोड सिल्वर है वो आपका अटैकेबल इलेक्ट्रोड है मीन्स तो आपके क्योंकि ये मूव कर गए थे देखो ये दो कैटाइन यहां से यहां पे देखो ये कर गए थे ना मूव तो इसीलिए हम कहते हैं डिक्रीज इन द ऑफ एनोडिक डिपार्टमेंट तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे देखो मैं फिर से आपको बता दूं फिर ध्यान दें आप यहां पे थोड़ा अच्छे से देखना दोबारा से जो ये वर्ड है यहां पे कई बार ये पजलिंग क्रिएट करता है अगर सिर्फ ये एनायन मूव करता देखो ऐसे ये ये पहुंच जाता और ये कैटाइन पहले से ही होते देखो ये कैटाइन मूव नहीं करते तो ये जो आपका एनायन आया इलेक्ट्रोड अटैकेबल है तो ये पहुंच के और ये आपके फोर आयन पेयर थे फोर ही की बजाय ये एक आयन पेयर और बन जाता कंसेंट्रेशन क्या हो जाती इंक्रीज द कंसेंट्रेशन क्या हो जाती इंक्रीज क्लियर हो गया लेकिन कोलोमीटर के बेसिस के ऊपर जो हम देख रहे हैं अब हुआ क्या वास्तविकता में ऐसा तो नहीं हुआ आपके ये दो आपके थे ये भी तो मूव कर गए देखो यहाँ डिपार्टमेंट वो एक अलग बात वो एक अलग बात की डिक्रीज को मेंटेन कर लिया गया क्योंकि इलेक्ट्रोड आपकी देखो अटैकेबल देखो दोबारा से पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए लेकिन एक बार तो वो क्या हो गई डिक्रीज एक बार तो क्या हो गई वो आपकी डिक्रीज जो यहां पे दोबारा आपकी प्रोसेस चली दोबारा जो एजी जी पॉजिटिव आइन आए इसको तो किसने डिटरमाइन कर लिया आपके वहां पे कोलोमीटर के अंदर तो टोटल कैथोड और एनोड के ऊपर जो भी डिस्चार्जिंग हुई टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान उसकी इंफॉर्मेशन देता कोलोमीटर वो अमाउंट है आपकी जेड तो ये जो दो एक्स्ट्रा कैटाइन यहां पे आए देखो दो ये एक्स्ट्रा कैटाइन यहां पे देखो ये यहाँ पे आ गए क्योंकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड है वो इन्फॉर्मेशन पूरी कोलोमीटर के द्वारा हम ओप्टेन कर लेते हैं तो दैट इज जेड वो क्या है बोलो जेड लेकिन ये अगर मूव ना करते तो बोलो हमारा डिफरेंस क्या रहता एक्स माइनस वाई जो अभी हम लिखेंगे देखो अभी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखो आपको बता दें जल्दी से ये तो बेसिक चीजें ही है मीन कंसेंट्रेशन मीस द आयन पेयर इन द एनोडिक डिपार्टमेंट तो बोलो क्या हो गए इंक्रीज देखो पहले फोर्थ थे अब फाइव हो गए हैं और देर द डिक्रीज इन द कैथोडिक डिपार्टमेंट पहले फोर्थ थे देखो वो अब थ्री हो गए हैं उसके बाद देखो ये थ्री हो गए ना यहाँ पे देखो ये वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हो गई देखो ये एनोडिक डिपार्टमेंट के अंदर तो दैट इज द डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन और एनोडिक डिपार्टमेंट में क्या हो गया इंक्रीज लेकिन अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें और कैटन भी सिर्फ कहाँ पे लिबरेट हुए आपके ओनली एट कैथोड मैंने बताया था देखो ये आपके ये थ्री कैटन देखो थ्री कैटन ये आपके जनरेट हो गए क्योंकि ये की फॉर्म में है ही नहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन no. तो देखो करके आपको दिखाते हैं वही असेंबली आपके सामने कंप्लीट जो आपको बता दी गई थी तो उसी टाइप से हम करेंगे क्या जैसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आप एनोडिक डिपार्टमेंट को देखो यहाँ पे फिलअप करेंगे सॉल्यूशन एनोडिक डिपार्टमेंट को इसकी कंसंट्रेशन इसको आप पहले तो वेट कर लेंगे इसका वेट ले लेंगे इसका ले उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन को आप डिटरमाइन करेंगे बाय टाइट्रेटिंग इट विद बोलो क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बताया था लास्ट टाइम आपको समझा दिया गया था ये कि किस टाइप से आप ब्यूरिट के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे बोलो स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप किस में फिलअप कर लेंगे इन द ब्यूरिट तो टाइट्रेशन करेंगे आप और इससे जो एनोडिक डिपार्टमेंट का जो सॉल्यूशन सोल्यूशन को आप कभी भी डिटर्माइन कर सकते हैं बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस इन द मिड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस एट द द एंड ऑफ उसके बाद आप इसमें से करंट पास करेंगे सिर्फ कितना लो लेके जीरो पॉइंट जीरो ज्यादा करंट क्यों पास नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो किस चीज को अवॉइड करने के लिए टू अवॉइड द लार्ज चेंज इन द कंसेंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड्स नहीं तो ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस तो ज्यादा चेंज इन कंसेंट्रेशन होगी तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे बोलो यहाँ पे हम लो करंट पास करेंगे तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ इलेक्ट्रोलिस कितनी कंसेंट्रेशन में चेंज आई तीनों डिपार्टमेंट में चाहे वो एनोडिक डिपार्टमेंट है चाहे कैथोडिक डिपार्टमेंट है चाहे वो सेंट्रल डिपार्टमेंट है इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट यू कैन डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन देखो ये जो टैप हमने लगा रखे हैं ये इसीलिए है ताकि हम यहाँ से

इलेक्ट्रोलाइट कौन ले रखा हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया था AgNO3 AgNO3 में सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना 1.08 NO3 का बोलो कितना होगा उसमें आप ऐड कर दें टोटल 180 170 सॉरी आपका आ जाएगा तो W2 को अगर आप डिवाइड कर दें उसके इक्वल मास से तो नंबर ऑफ क्राइम बन जाएंगे क्योंकि वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो जो मोलर मास होगा वही क्लेंट मास होगा क्योंकि क्लेंट मास किसके इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज चार्ज एजी पे देखो प्लस वन एनओ थ्री पे देखे माइनस वन तो वन से अगर आप डिवाइड करते हैं मोलर मास को तो आंसर उतना ही रहेगा मीन मोलर मास इक्वल टू द इक्लेंट मास सो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन दैट इज द मोलर और द इक्लेंट मास ऑफ द ए जी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया दैट वाई हमने यहाँ पे डिवाइड किस चीज से कर रखा है विद द वन से देखो ये हमने डिवाइड किया है क्लियर हो गया कि अब ये सोचे 170 सेवेंटी कहाँ से आ गया क्योंकि ऊपर ग्राम में था और ये किस में कन्वर्ट कर दिया ग्राम इकलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्लेट आपने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको हमने एक्स ग्राम इकलेंट मान लिया आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस सिमिलरली बिफोर इलेक्ट्रोलाइस देखो नीचे हम ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे बिफोर इलेक्ट्रोलिस बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था आपको क्या दिख रहा था कि W3 माइनस ग्राम ऑफ द वॉटर कंटेन हाउ मच ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डब्ल्यू ग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ग्राम वाटर के अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा W4 को डिवाइड करू टू ग्राम वाटर क्योंकि अगर वाटर होता तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा तो W1 वन माइनस ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इसको मल्टीप्लाई कर दें आप अब इसको भी ग्राम इक्लेट में आप कन्वर्ट करेंगे तो बोलो क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन है ए है ये ध्यान दें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कौन है बोलो यहाँ पे तो से so से देखो उसी टाइप आपने डिवाइड कर दिया so that is the तो आ आपके बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या मानते हैं अभी तक वाई ग्रामिकलेट तो y द्राम so और ये हमने देख ही लिया क्योंकि इलेक्ट्रोड आपके अटैकेबल है तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो x इज ग्रेटर देन y एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोलो क्या रहेगा दैट इज वाई तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड बोलो कितना हो जाएगा जेड जेड कौन सा है दैट इज द अमाउंट व्हिच गेट डिपॉजिटेड इन द कोलोमीटर जेड माइनस एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट और क्योंकि हमने ये ऊपर मान लिया था जेड क्यों लिखा क्योंकि देखो सपोज दीटर इज डब्ल्यू टू डिड बाय टू देड ग्राम इक्वल वेट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने कितना माना है डब्ल्यू ग्राम तो W2 टू बाय बोलो क्या 170 ग्राम इक्वलेंट तो वो जो भी आपका वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है आपका वही तो डिपॉजिट हुआ है बोलो कहां पे कोलोमीटर के अंदर इसलिए उसको सीरीज में हमने देखो यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है कोलोमीटर को को दैट इज जेड ग्राम वोल्टोमी लेकिन कुछ आपके जो सपोज द वेट ऑफ द डिपॉजिट इन द कोलोमीटर बोलो कितना हो गया वो हमने पहले ही बता दिया जेड ग्राम ग्रामिकलेंट लेकिन कुछ माइग्रेट भी हुए थे दैट वाई हमने यहाँ पे लिखा फॉल इन कंसेंट्रेशन दैट इज हमने पहले आपको देखो रिवर्स करके आपको चीजों को समझा दिया है अब हम निकालेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर

तो मिस ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ द ग्राम इकलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक डिपार्टमेंट जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ग्राम इक्लेट लॉस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज द अमाउंट विच गेट डिपोजिट इन द कलोमीटर इज जेड ग्राम इकलेंट तो इस टाइप से हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन निकालेंगे एन कैसे निकालेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं द सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर मीन्स एन ए प्लस एन सी बोलो क्या होता है वैल्यू ऑफ एन ए प्लस एन सी इज ऑलवेज इक्वल टू बोलो क्या होगा वन तो एन ए किसकेट इज इक्वल टू वन माइनस में एन सी तो इस टाइप से हम ट्रांसपोर्ट एन एन भी निकाल लेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन थी बोलो किस चीज की वेन द इलेक्ट्रोड इज बोलो कैसा था अटैकेबल देखो यहाँ पे जो हमने इनर्ट लिखा है इसको आप यहाँ पे कट कर देना हेडिंग में अब मैंने लास्ट में लिख दिया है बिकॉज द इलेक्ट्रोड बोलो हमने कैसा लिया दैट इज द अटैकेबल चेंज सिर्फ कहां पे रहा चेंज यहाँ पे आया है देखो जो हमने पहले तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे हम लिखते थे एक्स माइनस ग्राम देखो यहाँ पे ऊपर लेकिन अब हमने क्या लिखा जेड माइनस एक्स माइनस बाईग्राम क्योंकि इलेक्ट्रोड अटैकेबल है इलेक्ट्रोड बोलो कैसा था अटैकेबल था दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारे फार्मूले के अंदर इतना डिफरेंस आया है देखने को अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था देखो इन एन इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस वेन द कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड हमारी अटैकेबल है तो उस दौरान जो मासिट हुआ केन फाइव थ्री ग्राम एंड ऑफ द कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एनोडिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइस जीरो

लेकिन इंक्रीज इन वेट हुआ है कॉपर कैथोड इन द दलोमीटर वो कितना हुआ है जीरो पॉइंट थ्री ग्राम ये भी दे रखा है तो इस अगर कोई कॉपर माइग्रेट ना करता इफ नो कॉपर हैड माइग्रेटेड फ्रॉम एनोडिक एंड कैथोडिक देन इंक्रीज इन वेट इज जीरो पॉइंट थ्री ग्राम बट एक्चुअल इंक्रीज कितना है वो गीवन है बोलो कितना है हमने निकाल लिया इंक्रीज इन वेट वो बोलो कितना है जीरो पॉइंट वन टू देखो हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज दैट इज द एक्चुअल इंक्रीज अगर माइग्रेट ना करता तो कितना इंक्रीज हो जाता लेकिन इतना नहीं हुआ. तो कितना हुआ है तो so so बोलो क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा जीरो पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाई जीरो तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आपका कितना बन जाएगा 1 तो इस से आप को कर सकते हैं। और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना तो उसका भी एक अलग लेक्चर बना दिया जाएगा आपको समझा दिया जाएगा सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द द ऑफ मेथड अबाउटिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट नंबर और आज हमने कौन सा कैलकुलेशन की कौन से परस्पेक्टिव को देखा कि इफ द इलेक्ट्रोड आर अटैकेबल हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड आज लिए थे सो थैंक यू दैट ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर